इस समय टाइगर करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ए टू की शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा वे सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ भी धमाकेदार फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं उनकी फिल्म बागी 2 रिलीज होने के पहले ही फिल्म बागी 3 की अनाउंसमेंट हो गई थी। वहीं फिल्म में टाइगर का काम देखकर निर्माता साजिद नाडियावाला इतने खुश थे कि उन्होंने फिल्म की अगली कड़ी की अनाउंसमेंट कर दी थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर टाइगर अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। खबर के अनुसार टाइगर अगले साल मई या जून में बागी 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। तब तक वे ऋतिक के साथ अपनी एक्शन फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। वहीं फिल्म के इस तीसरे हिस्से का निर्देशन भी अहमद खान करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि साजिद नाडियावाला फिल्म के इस भाग की भी एक नई हीरोइन होने वाली है। इससे पहले दो भाग में श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी फीमेल लीड में थी। अब देखते हैं कि अहमद और साजिद मिलकर टाइगर के लिए कौन सी नई एक्ट्रेस लाते हैं। वैसे आपको बता दें कि टाइगर को नई एक्ट्रेस के साथ काम करने में कोई भी परेशानी नहीं आती। वहीं आपको बता दें कि अदा शर्मा जैसी एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है कि टाइगर इस मूवी में अदा शर्मा के साथ काम कर सकते हैं। देखना दिलचस्प रहने वाला है कि अदा शर्मा इस मूवी का हिस्सा बनती है या नहीं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।